पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो आने वाली फिल्म पटना शुक्ला के डायरेक्टर विवेक और लीड कास्ट में से एक अनुष्का है। और ये फिल्म जो है ऑलरेडी इसका टीजर जो है इसके जो अभी तक ट्रेलर रिलीज हुआ है उसकी वजह से काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। रीजन सोशल ड्रामा है, ऐसे इश्यूज के बारे में हमें कहीं ना कहीं जागरूक बनाने के लिए जो है जो हमारे समाज में हुए हैं या आज भी हो रहे हैं। सो व्हाट इज द फिल्म ऑल अबाउट? डिटेल में ऑफ कोर्स इन दोनों से बहुत सारी बातें करेंगे, बट सबसे पहले अ वार्म वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू निधि, दैट्स सो सो विवेक, पहला लवली। क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। एज आई सेड, ट्रेलर में डायलॉग्स के जरिए और जितना कुछ ना दिखाते हुए भी थोड़ा थोड़ा आपने रिवील करने की कोशिश की है अबाउट द फिल्म, मैं एज एन ऑडियंस ये सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? तो एक्सपेक्ट कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैमिली फिल्म है, एक मिडिल क्लास फैमिली फिल्म दैट्स बेस्ड इन पटना। अदरवाइज पटना इज अ मिलियू, हम बहुत फेमिलियर हैं डार्क हिंटलैंड्स, अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिशियन, बट दिस इज अ वेरी होमली फिल्म। इट्स अ वन वुमन स्ट्रगल, अ वेरी कॉमन वुमन लाइक माय मदर, माय सिस्टर और एनीवन लाइक दैट। सो उनकी एक कहानी है जिसका जिसका बैकड्रॉप बड़ा इंटरेस्टिंग है। द बैकड्रॉप इज द एजुकेशन स्कैम। अब एजुकेशन स्कैम पे शायद कहानियां बनाई जा चुकी हैं इससे पहले भी, नॉट दिस इज द फर्स्ट वन, बट जो हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच आई केम टू नो व्हाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट, दैट्स हाउ द जेनेसिस ऑफ द स्टोरी केम फ्रॉम, कि एक रोल नंबर स्कैम होता है। एंड रोल नंबर स्कैम स्कैम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज मैंने कभी सुना नहीं था। हमने जो पिक्चरों में देखा है या सुना है या अवेयर जो उसमें पढ़ा है कि किसी के बिहाफ पे कोई दूसरा जाकर एग्जाम दे देता है या किसी के इधर से उधर मार्क्स चले जाते हैं, बट हमने ये कभी नहीं सुना था कि लोगों के रोल नंबर स्वाप हो सकते हैं। और वो इतना सोफिस्टिकेटेड होता है क्योंकि वो सिर्फ इंडिविजुअली आप पुल ऑफ नहीं कर सकते, कुछ चार्जशीट टाइप के लोग, बट उसके लिए पूरी मशीनरी लगती है, यूनिवर्सिटीज के भी कुछ इनसाइडर्स होते हैं। तो वो हम उसको लेकर हम बहुत क्यूरियस हुए थे, तो हमें लगा कि ये टॉपिक हमें पब्लिक के सामने लाना चाहिए इन एन एंटरटेनिंग मैनर। द आइडिया वाज टू एंटरटेन देम व्हाइल एजुकेटिंग देम व्हाइल मेकिंग देम अवेयर ऑफ दैट सच एंड सच थिंग्स स्टिल हैपेंस इन बिहार एंड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉट एक्सक्लूसिव टू बिहार। सो ये इसकी इंस्पिरेशन थी कि एंटरटेन करें और साथ में एक छोटी सी चीज पर फोकस करें एंड लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें, बताएं कि भाई ये चीजें हो रही हैं, राइट, यू केयरफुल। नो, बट व्हाइल यू सेइंग दिस, तो जो मैंने ट्रेलर में देखा है मुझे दो पैरेलल स्टोरीज नजर आई है। वन इज ऑफ कोर्स ये स्कैम की स्टोरी है, एंड द अदर इज रवीना के कैरेक्टर और उसके एज अ कॉमन वुमन स्ट्रगल की स्टोरी। तो उसके बारे में मैं आपसे करूंगी अभी बात, बट लेट मी शिफ्ट माई क्वेश्चन टू अनुष्का नाउ। अनुष्का, यहाँ ये जो स्कैम की बात हो रही है तो आप जो है एक फ्लैग बेरर की तरह आपका कैरेक्टर आता है सामने, तो टेल मी हाउ डिड यू कम ऑन बोर्ड विद इट फर्स्ट? How I came on board. So I got a call from Mukesh sir's team, and he told me ki Anushka, there's such and such thing. And I'm like, because again, you get to read such things in newspapers, and you feel like ki acha, aapke liye wo ek headline ban ke rehti hai. Aapko lagta hai ki acha, kya sach mein hamari duniya mein aisi cheezein chal rahi hai? And I feel like there are few things. Again, it's a fundamental right. When we talk about education, it's a fundamental right. Yeah, kuch cheeze itni mujhe, I'm talking about kids, and I'm very much into kids and children, and I feel like that's a very tender age. They really need to be nurtured properly. And for that, when they came up, when they told me about the idea, I was like, okay, I really want to be a part of this. And he's like, you have a meeting in the office, can you come? I was like, I need a day, because when they briefed me about everything, I'm like, I'll come. But I really want to read more about it because I think it's such a vast topic. It doesn't make sense. Then I went there. Vivek sir was there. Then Arvad sir was there. Everybody was there. I thought, like, it will be a normal conversation, two or three people. And there was a panel of seven people sitting in front of me. And luckily, because I have somehow somewhere worked on that character, so I went there. And even when they said hi, I was like, namaste. So I came in the character only. I'm sure Vivek sir still remember that moment. And उन्होंने बोला बल्कि एक टेक किया कि यार अनुष्का, दिस इज परफेक्ट. आई वाज लाइक, आई वांट टू डू वन मोर. मुझे लगा बहुत जल्दी नहीं हो गया कि यार, दे आर वेरी श्योर. एंड दे काइंड ऑफ दे ऑल अप्लॉज्ड. आई वाज लाइक, मुझे लग रहा है कि न्यू टैलेंट है, जस्ट टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, इसलिए सबके साथ ऐसे कर रहे होंगे. तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, एक में ही हो गया क्या? बट आई थिंक दैट इवनिंग ओनली आई गॉट अ कॉल, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ स्क्रिप्ट, राइट, यू नो, ऑनेस्टली. जस्ट ओनली अ पार्ट ऑफ इट. एक और चीज है जो मे बी यू आर बीइंग हम्बल अबाउट, यू आर प्लेइंग पैरेलल लीड अलोंग विद रवीना. ओह,
How it feels like when you put it in words, how it feels like, it's definitely amazing. I mean, मैं अपने दूसरे सेट्स पे टिप टिप परसा पानी पे मैंने डांस किया लेजर, आई हैव वीडियोस ऑफ दैट व्हिच आई हैव शोन टू रवीना मैम एंड नाउ सी. तो हाउ वाज इट अ फैन गर्ल मोमेंट, या फिर आपने बोला कि अनुष्का ये फैन गर्ल को अंदर रखो, अभी यहाँ पे कैरेक्टर में आ जाओ? The later, honestly, अगर क्योंकि द बेस्ट पार्ट वाज कि इस चीज में मैं इसका बेस्ट पार्ट कहूंगी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर मैं जब रीडिंग्स के लिए जाती हूँ या फिर मैं कुछ भी व्हेन एक्शन और कट के बीच वाली चीज व्हेन आई एम नॉट वेयरिंग द कॉस्ट्यूम आई वाज प्रीटी श्योर कि वो फैन गर्ल मोमेंट आ जाएगा और वो मैं मुझे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उसको वैसे दिखाना. बट हाँ व्हेन आई एम बिकॉज द फर्स्ट मीटिंग वाज जो आई थिंक ट्रेलर में भी सीन है कि दीदी हम झुकेंगे नहीं, वो हमने डे वन पे एंड वाज द हेवी सीन, वेरी इमोशनल सीन हमने डे वन पे किया. यूजुअली आई चाहे कि मैं ऐसा कि सर हम कुछ ऐसा स्केड्यूल करें कि हम बाद में करें, क्योंकि रवीना मैम के साथ वो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी और आई वॉज वेरी हैप्पी. तो कहीं ना कहीं आपको एज अ न्यू कमर यू फील लाइक कि अच्छा वो बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि वेन यू विल बी एबल टू शो केस योर टैलेंट आई थिंक राइट इफ यू यू परफॉर्म इट रियली वेल देन ओनली शील बी लाइक, जो कि हुआ भी उन्होंने जाके अरबाज से वो सिटिंग ऑन द मॉडल्स लाइक हु इज दिस गर्ल. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने वो फर्स्ट डे किया. एंड अगेन बिकॉज व्हेन आई वाज इन द कैरेक्टर डेफिनेटली इट वाज लाइक टू को एक्टर्स एंड द एनर्जी डेफिनेटली द सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी वाज देयर. करेक्ट. सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो डायलॉग था, हम झुकेंगे नहीं, ये ऑफकोर्स आपका कैरेक्टर रिंकी तो बोल ही रहा है, बट अनुष्का भी बोल रही है, इतने दिग्गजों के सामने हम झुकेंगे नहीं. कह सकते हैं आप कह बट लेट मी गेट सकते दिस आंसर फ्रॉम द मैन हु इज यू नो बट या आई वांट टू हाँ आई रोल दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू ऐड बिकॉज़ आई थिंक फॉर फॉर समबडी लाइक मी more than that it is the space which you give I mean these people gave me the space then only I was able to bring myself on table and I think this I'm saying not only for you know Raveena ma'am but also Arbaaz sir wildly for Vivek sir they all gave me that space then only I was able to perform. करेक्ट करेक्ट. सो अभी विवेक आपसे ही क्वेश्चन पूछती हूँ. अनुष्का इज देयर यू नो यंग टैलेंट है, उसके अलावा आपने ऐसे ऐसे लोगों को लिया है इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी अपना नाम का स्टैम्प, अपने एक्टिंग का स्टैम्प, कैलिबर का स्टैम्प लगा चुके हैं. सो हाउ वर यू एबल ये इतनी कमाल के एंसेंबल कास्ट को एक यू नो लेके आना एक प्रोजेक्ट के लिए? It's sheer luck. It's sheer luck, I would say. And they were all talented because I wanted to go against the prototypes. जैसे लगा कि रवीना जी ने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए बट शायद ये कैरेक्टर नहीं किया. द मिनट यू इमेजिन तन्वी शुक्ला, द फर्स्ट जो इम्प्रेशन आते हैं जो भी आपके एक्ट्रेसेस है, यू नो इट. सो रवीना के लिए बहुत अनलाइक कास्ट थी. दैट्स व्हाट गॉट मी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कास्टिंग हर. एंड व्हेन शी रेड द स्क्रिप्ट शी लव्ड इट ऑफ कोर्स. It was a very author by the road and she connected to her immediately. And she said कि ये अंदर से भले ही कितनी ऊपर से soft दिख रही है और थोड़ी सी nervous है, tentative है, but इसकी soul जो है ना बहुत strong है. तो कहीं मैं इससे connect करती हूँ. तो I'm completely unlike Tanvi Shukla in my personal life. I'm a very authoritative, very opinionated. I have no. But वो चीज उनको बहुत attract कर गई and that's how and वो चीज attract इतने level पे कर गई कि उन्होंने फिर investigate करना शुरू किया कि क्या मैं अपने अंदर की सिंपलिसिटी और इनोसेंस और स्ट्रेंथ को टटोल सकती हूँ. एंड दैट्स द रीजन शी परफॉर्मड इट सो वेल. एंड विद ब्रिलियंट कास्ट लाइक अनुष्का एंड विद सतीश जी, विद मानव, विद चंदन, विद एवरीवन, दे ऑल चिप्ड इन, दे ऑल कम विद द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एक्टिंग. माय चैलेंज वाज टू मेक द एंटायर एंसेंबल कास्ट लुक्स लाइक वन बिकॉज़ दे ऑल कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एक्टिंग. जी इज फ्रॉम अ वेरी कमर्शियल सिनेमा. Anushka is a very theater hardcore. Chandan from comes from theater. Manav again is a very OTT. So, उनको एक पेज पे लाने में जो मजा आया वो बहुत कमाल का था, वो experience. And somehow they all gelled it very well. So, दो हर एक को एक दूसरे का mechanism समझ में, acting का, performance का. So that was a delight. So उसका एक experience का जो मजा आया जो मैं आपको मतलब express वैसे नहीं कर सकता. Once you see the film, you can't tell. Right. And I think वो as audience हम experience करेंगे because you know जैसे किसी डिश में अगर बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर्स आ जाते हैं तो कमाल हो जाता है. तो यहाँ पर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एक अच्छा सा फ्लेवर यू नो आपने तैयार किया है. प्लैटर सो यू हैव योर या प्लैटर उसमें बस एक ही चीज चाहिए थी, ज्यादा भी खराब हो जाता है अंदाजा करे तो दैट्स इट. हां वही वही. सो एज अ डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर It's That been skill struggle is for there. him. I think he's just trying to put it in a nice way that it was fun. But I think, yeah, he did.
राइट right. बट जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, दो पैरेलल स्टोरीज मुझे यहाँ दिखी हैं, बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट. वन इज एक स्कैम के बारे में हमको उजागर करना है, एंड द अदर इज एक कॉमन औरत के जो संघर्ष की कहानी है, जो हमें बहुत ही रिलेटेबल लगेगी. ये मैं हूं, ये मेरे साथ हुआ है या मेरे किसी के साथ हुआ है. बैलेंसिंग बोथ ऑफ देम एंड बोथ ऑफ देम ब्रिलियंटली, जितना मैंने ट्रेलर में देखा है, वो कितना चैलेंजिंग रहा. हाँ बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था, बिकॉज जितना मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है लिमिटेड सा, और जितना मैंने पढ़ा है अक्रॉस इंडिया प्रॉब्ली अक्रॉस द वर्ल्ड, द वुमेन स्ट्रगल मोर ऑर लेस द सेम। बैकड्रॉप बदल जाता है, हाई बिग सिटी ब्लूज के स्ट्रगल थोड़े से आपको अलग लगते हैं, बट इन जनरल जो दोनों का स्ट्रगल है इट्स वेरी सिमिलर। तो इन अ वे तन्वी शुक्ला इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिंकी, आई मीन यू कैन से एज अ मेटाफोरिकली दे बोथ आर अलाइक। तन्वी इज द एक्सटीरियर एंड द रिंकी इज द इंटीरियर। तो रिंकी की स्ट्रेंथ से तन्वी स्ट्रेंथ डराइव करती है एंड शी फाइट्स द केस। व्हाई आई चोज तन्वी शुक्ला एज अ कैरेक्टर, बिकॉज आई फाइंड द लेंथ वेरी इंटरेस्टिंग। अदरवाइज हैड इट अदरवाइज इसका एक कॉमन ट्रोप होता है कि आपको एक अच्छा स्कैम मिल गया, करेक्ट. सुपर सिंपल होता है कि जर्नलिस्ट के थ्रू आप शुरू करो, लेट्स ट्राई एंड मेक एन इन्वेस्टिगेटिव फिल्म। आई थॉट कि नहीं मजा नहीं आएगा, व्हाट इफ अ कॉमन वुमन, अ वेरी कॉमन वुमन विद अ वेरी कॉमन नीड्स, उसको सिर्फ इतना चाहिए कि उसको पति उसको एक्सेप्ट करे, उसको ये चाहिए हाँ कि बाकी औरतों की तरह एक हाउसवाइफ ना बन के रहो, आई वांट टू हैव एन आइडेंटिटी ऑफ माय ओन। और उस ड्राइव से जब वो जाती है तो इट्स अ वेरी पेट्रियार्कल सेटअप अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया एंड बिहार। वो पेट्रियार्की में क्या करना पड़ता है उसको, उसको शी हैज टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स एट टाइम टू अपीज मेंस ईगो, व्हिच यू कैन सी इट इन द प्रोमो। तो हर कोई स्नब कर देता है, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली। तो हम लोग भी अनटूवर्डली मतलब ये चीजें कर जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, अरे यार ये ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड है, लोग हाँ हमने बोल दिया। सो मुझे उस औरत का लेंस बड़ा अच्छा लगा था कि अगर मेरी माँ मेरी बहन की नजर से मैं स्कैम को देखूं जिसका उससे कोई मतलब नहीं है, बट एक केस आ गया बिकॉज उसको केस ही नहीं मिलते बेचारे को। वंस शी गेट्स द केस शी लैच ऑन टू इट, एंड व्हाई शी लैच ऑन टू इट, बिकॉज शी इज बिकॉज लड़की भी जब आती है तो इट्स इफ यू गो टू बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अ लोअर कोर्ट, वहां आपको आपको रेयरली फीमेल लॉयर्स मिलेंगी, 5-10% शायद आपको मिल जाए आपका हाई कोर्ट में, बट नॉट इन लोअर कोर्ट। अब वुमेन इन अ लोअर कोर्ट, तो द मिनट एक लड़की एंटर करती है तो सबसे पहले कंफर्ट उसको देखता है कि एक औरत है, तो चलो मैं इससे डील करती हूँ विदाउट नोइंग द फैक्ट कि बहुत अच्छी नहीं है। सो दैट्स हाउ उनके बीच में बॉन्ड बनता है। एंड वंस यू सी द फिल्म there is a twist, there is a connect why we chosen the lens of Tanvi Shukla and why this case became a very important case for her, because she has to prove not only because she can deliver justice or she can do her job well, she has to retain her dignity which she has lost her. It becomes a personal and a professional matter both. That, so But what's with the name Patna Shukla? Long story, but thank you for bringing this question, Nidhi. Because it's intriguing, yaar, ke kahani Tanvi Shukla aur Rinki ki hai, phir ye Patna Shukla, Patna Shukla. To abhi main janna chahungi. कैसे हुआ था, देखिए पढ़ते हम लोग बहुत है, मैं खुद लखनऊ से हूँ, तो एक साहित्यकार थे जो हमको बड़े पसंद थे, राही मासूम रजा साहब, उनकी हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, उसका नाम था टोपी शुक्ला। सो टोपी शुक्ला इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल था आपका, तो पटना शुक्ला यहाँ से आया कि तन्वी शुक्ला की हमने कहानी शुरू की, और तन्वी शुक्ला की कहानी करते करते देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन शी बिकम्स वेरी पॉपुलर। एंड होता क्या है कि एक जनरल से बोला पटना की तन्वी शुक्ला ने ये किया, पटना की तन्वी शुक्ला ने, एक पॉइंट के बाद पटना की हट जाता है एंड इट बिकम्स पटना शुक्ला। बिफोर इवन शी रियलाइज शी बिकम्स सिनोनिमस एंड शी स्टार्ट्स लाइकिंग इट। देयर इज सीन इन दिस चेज कि सब आपको इसी नाम से तो जानते हैं, जर्नलिस्ट कमन से कि शी सेज पटना शुक्ला, कहता हाँ बाकी लोग भी अब इसी नाम से एड्रेस करते हैं। सो एंड शी सेज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग, शी सेज अच्छा है अब पटना को इस शुक्ला की आदत पड़ जानी चाहिए। सो दैट्स हाउ द नोइंग केम, इट केम फ्रॉम द स्क्रिप्ट इटसेल्फ व्हाइल राइटिंग इट। वंस मी एंड माय राइटर्स फरीद एंड समीर केम टू दिस कंक्लूजन, वी सॉट एरिया वो राही साहब ने बड़ा अच्छा टाइटल रखा था टोपी शुक्ला, सो व्हाई नॉट पटना शुक्ला, इट्स अ नाइस। करेक्ट. बट आई वाज आल्सो थिंकिंग कि इस तरह के, जब हम फिल्म इस तरह के सब्जेक्ट मैटर पे बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स कास्ट इज इम्पोर्टेंट, जो उसकी ग्रेविटी को आगे लेके जा सके, बट आल्सो द डायलॉग्स शुड हैव अ लॉट ऑफ वेट, कि वो बड़ा हेवी नहीं लगे बट कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल हो जाए. और वो अभी तक ट्रेलर में मैंने देखा है जितना ब्रिलियंट डायलॉग्स, तो आपको तो थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट. बट वो डायलॉग्स को कैरी करना अनुष्का, दैट ऑल्सो इन अ थोड़ा सा बिहारी या भोजपुरी डायलैक्ट,
उसका मुझे बताओ यार, वो कितना चैलेंजिंग था या इजी था? So for me, I mean, if you look at my filmography, I try to. I really want my characters because I think India is so rich, no? अगर हम नॉर्थ से साउथ तक का भी ट्राई करें तो मुझे लगता है कि एक्टर को पूरी, ऑफ कोर्स उसकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, जितनी रिच हम लोग कल्चरली हैं सब चीजों के, वहां के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने में ही. तो आई ट्राई बी इट्स लाइक, चाहे वो थार हो, चाहे वो घर वापसी हो, डिज्नी हॉटस्टार का मेरा जो दूसरा शो है उसमें इंदौरी कैरेक्टर था, या इसमें आई ट्राइड भोजपुरी, बट आई थिंक ये वाला सबसे ज्यादा मैं कहूंगी जिसमें सबसे ज्यादा हमने कम करने की कोशिश की, सो दैट इट रीचेज द मार्क. क्योंकि अगर हम उसकी बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में चले जाएंगे तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में पता चले और वो उस चीज को समझ पाए. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डायलॉग्स तो वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब जब मैं झुकूंगी नहीं और वो सब चीजें हैं, बट वन ऑफ माय फेवरेट डायलॉग इज कि जो कि जतिन का डायलॉग है जबकि मेरे ऑपोजिट है, बट मेरा उनका डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार हम आजकल के नेता हैं, इलीगल काम भी लीगल तरीके से लीगल. करते हैं. हाँ आई लव दैट डायलॉग. आई वाज लाइक थैंक यू विवेक सर, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस. करेक्ट. एंड यू नो आपका जो इमोशन है वो ऑडियंस भी रेजोनेट आई एम श्योर कर रही है, अभी ट्रेलर में जितना देखा है, वेटिंग टू सी मोर इन द फिल्म. बट देर इज सो मच विवेक. इनफैक्ट अनुष्का आपसे भी मेरा क्वेश्चन होगा जाते जाते कि इतना कुछ है ऑडियंस के पास आज देखने के लिए. यू नो देर आर फिल्म, देर इज सो मच ओटीटी कॉन्टेंट. जैसे अनुष्का ने कहा था, प्लैटर ऑफ एक्टर्स आपकी फिल्म में है और हमारे पास प्लैटर ऑफ कॉन्टेंट है. सो अगर ऑब्वियसली दिस फिल्म इज क्लोज टू योर हार्ट क्योंकि आप लोगों ने इस पर बहुत मेहनत की है, पर अगर एक सेंटेंस में फॉर अस एज द ऑडियंस आपको सम अप करना है कि व्हाई शुड वी नॉट मिस पटना शुक्ला, तो वो क्या होगा? विवेक पहले आपसे पूछूंगी, अनुष्का यू कीप योर आंसर रेडी. ओके, रोल नंबर टू. रोल नंबर टू. But I would say the lens I've chosen, which is a very common woman, because you don't see these kind of struggles through the lens of a very common ordinary housewife. That makes it very interesting. And I firmly believe that there are certain battles and some battles in life which is worth fighting for. So Tanvi Shukla signifies that spirit for me. Had it been a male character, probably I wouldn't have said it. But because she is a female character and she's a very common woman. For instance, if you ask me, I'll just give you a thoda roundabout answer. I'm very much interested in common people because I may not be that interested in exceptional people. Of course, they are. Because there's always a hero lurking inside a common man. The idea of bringing out that hero from a common woman, and which becomes worth admiring and worth imitating. For instance, our mothers and our sisters and wife, who right. dramatic life mein nahi karte, but kuch ek chhota aisa kar jaate, which is worth admiring. So that is what they don't wear that cape, and but it's there already. You just stole my thought. I was about to say you don't need to wear a cape to be a hero, and that's what Indian women do. It's absolutely like finding heroes in common people. Correct. So that's your reason for wanting us to watch it. Anushka, what about yours? I feel like the problem was saying how different generations deal with it differently. I mean, even though when we talk about Shakti, Nari Shakti, I think the struggles of my mom were different and but the struggles of me are different. But somehow, somewhere we see that the strength is same. And when we see that she is able to pull off, I mean, wo agar ghar mein, agar main apni nani aur dadi ke time ki baat karu, to ghar mein kapda bhi kata jata tha charkhe se. उसके बाद वो चार और पांच बच्चे भी संभाल रही होती थी और वो इतनी भी चीजें कर रही थी और इतनी भी चीजें कर रही थी, उनको तो मुझे मैं उनसे ड्राइव कर सकती हूँ, वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? और मैं एज अ वुमन वेयर शी सीज के ओ ये रात के 3 बजे की कैब पकड़ के फ्लाइट भी कर लेती है, फिर इंटरव्यूज भी कर लेती है, फिर ये भी कर सकती है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल लाइक मिरर एक्सरसाइज आई विल से, वेयर दीस टू वुमन आर लुकिंग एट ईच अदर एंड दे आर सेइंग वाओ एंड दे आर सैल्यूटिंग ईच अदर. And they're saying हम झुकेंगे नहीं. I'm झुकेंगे नहीं. Right. So definitely आपकी फिल्म भी नहीं झुकेगी with the audience. I'm sure it's going to receive a lot of love. जिस love से आपने इसे बनाया है, आपने इसमें acting की है. On that note, thank you so much for your time for this interview and wishing you good luck for every project that you take in future. Thank you so much. It was lovely. Pleasure is all mine. I had a great time too. Thank you. Thank you. Bye bye.